हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोगल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो अमेज़न होम डेकोर हॉल एंड ऑर्गेनाइजर हॉल होने वाला है। मैं यहाँ पे मॉम के यहाँ पे आई हुई हूँ एंड हमारे यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। सो डेफिनेटली अगर रेनोवेट हो रहा है तो कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर ऐड होंगे। तो हमने कुछ अमेज़न से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये अरोमा ऑयल डिफ्यूजर, है ना ब्यूटीफुल। ये इसका जो ये हैंड शेप है, इसकी वजह से मुझे इतना यूनिक लगा एंड थोड़ा सा है, डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। ये है अल्टीजा इलेक्ट्रिक सेरेमिक हैंड शेप अरोमा ऑयल डिफ्यूजर। इसका जो प्राइस है ये 499 है। इसमें मुझे दो फ्रेग्रेंस ऑयल जो आते हैं उसकी मुझे दो बॉटल्स भी मिली हैं। ये बॉटल एक्चुअली मुझे अभी मिल नहीं रही है तो वो मैं आपको भी नहीं दिखा रही हूँ, बट इसके साथ आपको दो बॉटल भी आएगी। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देख सकते हो। और ये इतना यूनिक है, इसमें हमें लुकवॉर्म वाटर जो होता है, लुकवॉर्म वाटर इसकी प्लेट जो है इसके ऊपर डालना है। इसके साथ हमें 5-10 ड्रॉप्स जो ऑयल है फ्रेग्रेंस के वो डालने हैं। एंड ये जैसे जैसे हीट होगा इसकी जो फ्रेग्रेंस, आप जो भी फ्रेग्रेंस अगर सिलेक्ट करते हो वो आप डालोगे तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। मैंने ट्राई किया लेकिन एक चीज़ है, जब आप इसमें ऑयल डालते हो तो एटलीस्ट कम से कम 10-15 मिनट्स के लिए आप फैन स्विच ऑफ कर दो। अगर फैन चलते रहते हैं तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो उतने अच्छे से पता नहीं चलती है। जब मैंने फैन ऑफ कर दिया 5-10 मिनट्स के लिए तो अच्छा मुझे फील होने लगा कि फ्रेग्रेंस है। और फिर जब अगर आप फैन ऑन करते हो तो उसकी वो जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में आप उसको फील कर पाओगे कि पूरे रूम में उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से आएगी। So, पहला प्रोडक्ट मेरा ये था, मैंने ये ऑर्डर किया है अमेज़न से। एंड नेक्स्ट मैंने जो ऑर्डर किया है इसके साथ ही, मुझे इसमें दो बॉटल्स आई थी जो मुझे अभी एक्चुअली वो बॉटल्स दिख नहीं रही है। इसके साथ मैंने अलग से फिर मुझे सेट एक चाहिए था अलग अलग फ्रेग्रेंस के ऑयल्स का, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। यहाँ इसमें 6 ऑयल्स है अलग अलग फ्रेग्रेंस के, 6 ऑयल्स है, जैसे लेमन ग्रास है, मोगरा है, फिर इसमें सैंडलवुड है, इस तरीके इसमें शायद रोज का भी एक फ्रेग्रेंस है। मैं आपको, हाँ ये देखिए रोज है एंड लैवेंडर है एंड ये जैस्मिन है। ये मैंने अलग से ऑर्डर किया है, अलग से मैंने इसे ऑर्डर कर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्चुअली। नेक्स्ट मैंने फ्रेग्रेंस ऑयल की जो बॉटल्स है वो ऑर्डर की है। मैंने यहाँ पे 6 का जो मुझे सेट मिल रहा था 15 ml each, यहाँ पे अलग अलग फ्रेग्रेंस है, जैसे लेमन ग्रास है, सैंडलवुड है, लेवेंडर है, रोज है, जैस्मिन, इस तरीके से मुझे 6 का ये पैक आ रहा था मुझे, तो मैंने ये 6 बॉटल्स का जो पैक है वो ऑर्डर किया है। एंड ये प्योर सोर्स इंडिया का है, सेट ऑफ 9 बॉटल अरोमा। ये एक्चुअली सेट ऑफ 6 मैंने लिया था, बट अभी मुझे सेट ऑफ 6 यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैंने यहाँ पे सेट ऑफ 9 की जो है वो मैंने आपको डाला है। तो यहाँ पे ये 15 ml का है एंड यहाँ पे 10 ml का शो कर रहे हैं, बट मुझे जो मैंने जो खरीदा है वो 6 बॉटल्स है जो 15 ml की है। सो आप इसे इस डिफ्यूज़र में यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, 5-6 ड्रॉप्स इनफ है रूम को, एटलीस्ट लिविंग रूम एंड अगर आपके बाजू में आपका डाइनिंग रूम है तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैंने ये ऑर्डर किया है, ये डस्टबिन होल्डर है एंड ये आप जो डस्ट सिंक जो हमारे सिंक के नीचे का जो एरिया होता है जिसे हम एक्चुअली क्लोज बंद करके रखते हैं, जहाँ पे हम जनरली अपना डस्टबिन एंड वो सब रखते हैं, वहाँ पे आप इसे डोर पे हैंग कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, तो आप इसे डोर पे अंदर की तरफ हैंग कर सकते हो। एंड अगर आपको डस्टबिन नीचे रखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है एंड कभी नीटनेस भी जैसे नहीं रहती, कभी कुछ नीचे गिर गया अंदर रहता है तो प्रॉब्लम भी होती है, तो ये आप दरवाजे पे इजीली हैंग कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप अपना डस्टबिन रख सकते हो। तो ये थोड़ा स्पेस को वेल ऑर्गेनाइज करता है एंड देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया है। एंड मैंने इसे जो ऑर्डर किया है वो MKRB मॉल स्टेनलेस स्टील डस्टबिन होल्डर ऑर्डर किया है एंड इसका प्राइस है 415 rupees। एंड ये इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, स्टील जो है इसका बहुत ही अच्छा है मुझे, और मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे दबाओ तो ये इस
से लूज है या, और इसकी वेट, इसका वेट भी अच्छा है, मतलब आप इसमें इजीली, आप इसमें स्टील जो डस्ट, स्टील डस्टबिन आता है आप वो भी इसमें इजीली रख सकते हो, वो भी आराम से कैरी कर लेगा। एंड इवन जो ये आपके जो एरिया भी है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इजीली इसको आराम से लटका उसमें हैंग कर लो एंड आप इसे यूज करो, तो ये अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर करूंगी वो है ये फ्रिज बास्केट ट्रे होल्डर। ये हम फ्रिज में इजीली हैंग कर सकते हैं, इसको आराम से इस ट्रे को सेट कर सकते हैं फ्रिज में, जिससे हमें अब अपने स्टोरेज में हमें जो टमाटोज हरी मिर्च जो हमें रखनी होती है वो उसके लिए हमें। एंड ये जो है ये इंडी ट्रेडिशन एक्सपेंडेबल हैंगिंग फ्रिज ट्रे रेफ्रिजरेटर है ये, फूड स्टोरेज ऑर्गेनाइजर। ये सेट ऑफ फोर है, ये एक्सपेंडेबल भी है, आप इसे आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड इवन इफ यू वांट इट यू कैन डू इट लाइक दिस। सो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये सेट ऑफ फोर आता है, दो मैंने अपने फ्रिज में ऑलरेडी लगा लिए हैं एंड अभी मेरे पास दो है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये मैंने खरीदा था, इसका जो प्राइस था वो है 170, सॉरी इसका जो प्राइस फोर का है वो है 349 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने अपने सिंक, अपने जो सोप बार होता है एंड हमारा जो स्कॉच ब्राइट होता है वो सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये सिंक के साइड में लगाने के लिए यूज़ लिया था। इसका है VR मल्टीपर्पज कॉर्नर किचन सिंक वॉश बेसिन स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, और ये इसका जो प्राइस है वो है 89 रुपीज़। ये आप अपने सिंक के साइड में लगा सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे जो स्कॉच ब्राइट है जो गीला होता है तो ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिससे पानी पूरा स्टेन आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप अपना जो भी आपका है, आपका सोप बार है एंड आपका लिक्विड है, वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ये जो पीछे है इसे आप आराम से वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लिया था। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ होम डेकोर आइटम जो मैंने ली है। द नेक्स्ट वन इज दिस वन। ये हमारे, ये एक्चुअली मैंने अपने गेट के एंट्रेंस के लिए लिया है, मैंने दो लिया था बट मुझे एक ही रिसीव हुआ है, एक अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मैंने बास्केट फ्लावर का जो बास्केट होता है, फ्लावर के जो बास्केट होते हैं उसे हैंग करने के लिए लिया था। मैंने सोचा था मेरे जो एंट्रेंस है, मेरा जो गेट का जो एंट्रेंस है, तो उसे मैं साइड साइड की जो वॉल होती है वहाँ पर ये लगा दूँगी, तो मैंने ये लिया है होल्डर। एंड इसकी जो बटरफ्लाई है वो ब्लैक कलर में है, जो बिल्कुल दिख नहीं रही है, आप देखो ऐसे बट ये बहुत सुंदर लगती है, ये दिख नहीं रही। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ DIYs करके, मतलब कुछ पेंट वेंट करके इसे थोड़ा सा कलरफुल बटरफ्लाई बना दूंगी, तो एटलीस्ट ये बटरफ्लाई विजिबल रहेगी, दिखेगी बटरफ्लाई। एंड यहाँ पे हम अपना पॉट हैंग कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है, ये जो है ये फेबिटो लेजर कट बटरफ्लाई डिजाइन वॉल हैंगिंग आयरन ब्रैकेट फॉर बर्ड फीडर्स फ्लावर पॉट्स ऑर्नामेंट स्ट्रिंग लाइटिंग लालटन प्लांटर्स एंड मल्टीपर्पज है, इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो है 348 रुपीज़। मैंने ये और एक ऑर्डर किया है एंड मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि मैं इस बटरफ्लाई को अगर कलरफुल कर दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेट्स सी, हम कुछ ना कुछ तो जरूर उसमें करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट मैंने ये ड्रॉप लाइट ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो रोप की है ये पूरी, एंड मैंने ये ड्रॉप लाइट ली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक्चुअली मैंने सोचा है कि मेरा बाहर का जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे मैं इसे लगाऊंगी, मैंने सोचा तो अभी यही है, देखते हैं हमारा क्या, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये लाइट बहुत अच्छी लगी एंड ये थोड़ा सा विंटेज लुक भी दे देगी, तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर कर लिया। एंड ये पूरा रोप से, ये पूरे रोप से बना हुआ है, आप देख सकते हैं, एक्चुअली मुझे दिखाना बहुत देखिए। एंड इसकी जो स्ट्रिंग्स, ये जो है ये भी पूरा लोब से बना हुआ है एंड यहाँ पे लाइट हम इसे एडजस्ट करने के लिए है। तो ये इसका जो प्राइस है, ये डिस्क्रिप्शन ये है, वीआर सिटी हैंगिंग लैम्प विंटेज हेम्प रोप पेंडेंट लैम्प सीलिंग लैम्प रेट्रो एंड इंडस्ट्रियल आयरन विंटेज। एंड इसका जो प्राइस है वो है 999। ये मैंने 999 में लिया था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो ये हमने लिया है। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो भी मैंने ड्रॉप लाइट ही लिया है अपने बेडरूम के लिए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये लिया है हमने ड्रॉप लाइट अपने बेडरूम के लिए लिया है, ये है, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए लिया है। एंड ये SL सीलिंग लाइट है, इसका जो, ये मैंने पेयर में लिया, इसमें मुझे ऐसे एक और आया है, डबल आया है। एंड इसका जो प्राइस है ये 525 रुपीज़ में, ये पेयर है,
तो ये भी ड्रॉप लाइट है, इसे भी आप अपने सीलिंग हो गया, अपने डाइनिंग स्पेस, लाइक अपना डाइनिंग, अगर आपको डाइनिंग के वहाँ पे लगाना, डाइनिंग स्पेस में लगानी हो वहाँ लगा सकते हो, आप अपने हॉल में यूज़ कर सकते हो। मैंने तो अपने बेडरूम के लिए लिया है, अभी देखते हैं हम इसे बेडरूम में लगाते हैं या कुछ हम इसमें चेंजेस करते हैं। ओके, सो नाउ माई लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने ये ऑर्डर किया, ये सेट ऑफ 16 है, इसमें साइजेस छोटे बड़े हैं। एंड मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि मैं जाने से पहले ज़रूर आपको अपना होम टूर कराऊँ, स्पेशली कुछ दिखाऊँ, चाहे नहीं दिखाऊँ पर अपना ये वॉल मेमोरीज, वॉल ऑफ माई मेमोरीज ज़रूर दिखाऊँ। मैंने इसमें जो फ्रेम्स में जो पिक्चर्स डालूंगी वो आपके साथ शेयर करूँ। लेट्स सी ऐसा हो पाता है या नहीं, बट स्टिल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आर्ट स्ट्रीट शूटिंग स्टार फोटो फ्रेम सेट ऑफ 16 ऑर्डर किया है एंड इसका जो प्राइस है वो 1499 है। फ्रेंड्स, ये था मेरा अमेजोन होम डिकोर एंड ऑर्गेनाइजर हॉल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे स्टफ्स पसंद आए हो। आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स दे दिए हैं, आप इजीली वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।